अमीषा पटेल ने राकेश रोशन के निर्देशन में बनी फिल्म कहो ना प्यार है से ऋतिक रोशन के साथ ग्लैमर दुनिया में कदम रखा। अभिनेत्री को सन 2000 में सोनिया सक्सेना के अपने चरित्र के लिए प्रशंसा मिली। कहो ना प्यार है के लिए अमीषा पटेल ने एक युवा कॉलेज गर्ल की भूमिका निभाई जिसे ऋतिक रोशन से प्यार हो जाता है। हालांकि अपनी अगली फिल्म गदर एक प्रेम कथा में अमीषा पटेल ने एक माँ की भूमिका निभाई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके डेब्यू फिल्म राकेश रोशन सनी देओल के नेतृत्व वाली फिल्म में सकीना की भूमिका निभाने के लिए अमीषा पटेल के पूरी तरह खिलाफ थे। अमीषा पटेल ने हाल ही में गदर एक प्रेम कथा में सकीना के चरित्र को लेने के लिए हतोत्साहित होने के बारे में खोला। अमीषा पटेल ने खुलासा किया कि जब वह कहो ना प्यार और गदर की शूटिंग एक साथ कर रही थी, राकेश रोशन ने उसे भूमिका नहीं लेने के लिए कहा क्योंकि उसे एक ग्लैमरस भूमिका के रूप में लॉन्च किया गया था, लेकिन सकीना एक गैर ग्लैम चरित्र थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अमीषा पटेल के हवाले से कहा, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि एक अभिनेता को अपने काम के साथ स्थिर नहीं होना चाहिए या सिर्फ एक विशेष छवि सेट पर करनी चाहिए। मुझे याद है कि मैं कहो ना प्यार और गदर एक प्रेम कथा की शूटिंग कर रही थी और उसमें मैंने सकीना का रोल करना था और राकेश रोशन सकीना की भूमिका के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि कहो ना प्यार में मैं आपको इस युवा कॉलेज गर्ल के रूप में लॉन्च करने जा रहा हूँ और गदर में आप एक माँ की भूमिका निभाने जा रही हैं जो कि ये ग्लैम किरदार भी नहीं है। हालांकि मैं सकीना में विश्वास करता था और मैं गदर में विश्वास करता था, मैं बस इसे कहना चाहता था और मुझे यह पता नहीं था कि यह इतनी कल्ट फिल्म बन जाएगी। उन्होंने अपनी फिल्मों और अन्य फिल्मों में भी प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह एक चुनौती थी, मैं सकीना से बाहर आया और तब मैं हमराज में यह ग्रे किरदार निभा रहा था। आप जानते हैं कि मैंने दर्शकों को चौंकाने वाला प्यार किया है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.